अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक प्लानर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोग सब्सक्राइबर लाइक बटन, जो पॉप अप सब्सक्राइबर बटन होता है, वो आप लोग कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए। तो बिना टाइम जाए किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जान लेते हैं कि आप लोगों ने अपने लिए पॉप अप सब्सक्राइबर बटन को कैसे क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, पॉप अप सब्सक्राइब का बटन बनाने के लिए आपने अपने यूट्यूब पर जाना है। YouTube पे जाने के बाद आपने यहाँ पर कॉर्नर के अंदर क्लिक करना है, जहाँ पर आपका चैनल का लोगो बना है। अब आपने योर चैनल पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि हमें ये दरमियान वाला सफ़ेद पोर्शन चाहिए। तो इसके लिए हमें पूरे का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका काइन मास्टर ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पर मीडिया में जाकर एक बैकग्राउंड चूज़ करना है, ये वाइट बैकग्राउंड या आप कोई भी चूज़ कर लें फ़िलहाल। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। इसके बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना है, यहाँ सर अपनी गैलरी के अंदर जाकर। तो ये देखें जनाब, ये हमारा स्क्रीनशॉट है। अब आपने जो सफ़ेद पोर्शन वाला हिस्सा है दरमियान के अंदर, इसको आपने सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए आपको क्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रॉपिंग का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने अच्छे से इसको क्रॉप करना है। ये देखें जनाब। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैं एक वीडियो का लिंक दूँगा, आपने वो वाली वीडियो को डाउनलोड करना है और आपने यहाँ पर कॉइन मास्टर के अंदर इम्पोर्ट करना है। तो फिलहाल मेरे पास तो वो वीडियो पड़ी है मीडिया के अंदर और यहाँ पर डाउनलोड के अंदर पड़ी है ये सब्सक्राइब बटन। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, हमने रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इनेबल कर दें और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लें अपने मुताबिक। तो ये देखें जनाब, ये वाला बटन हमारे पास आ चुका है इधर। अब दोबारा प्ले करते हैं इसको। ओके हो गया। अब जनाब हमने ये आगे वाला जो पोर्शन है इसको हमने कट कर देना है, लेकिन यहाँ पर हमें जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन चाहिए। तो वाइट को हम रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं और मीडिया में जाकर इसको लेकर आते हैं यहाँ पर। तो ये देखें जनाब, हमारे पास आ चुका है ग्रीन स्क्रीन। अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने इसको सेव कर लेना है यहाँ पर। ये देखें, एक्सपोर्ट करते हैं। अब थोड़ी देर लगेगी, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये देखें जनाब, एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। प्लस वाले निशान पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई भी वीडियो मैं लेकर आता हूँ उसको यहाँ पर लेकर आएंगे और चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और ये वाला यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और यहाँ से अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है क्रोमा की मदद से। क्रोमा की पे जाके इनेबल कर देंगे। तो ये देखें भाई, अच्छे से रिमूव हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने एनिमेशन का यूज़ करना है। यहाँ पर आपने इन एनिमेशन पर जाना है और पॉप अप नहीं, नीचे से आपको आएगा स्लाइड अप। ये देखें, ये आ गया स्लाइड अप। इसके बाद आपने आउट एनिमेशन लगानी है। आउट एनिमेशन पे जाकर स्लाइड डाउन कर देना है। अब प्ले करके देखते हैं इसको। तो ये देखें जनाब, तो ये देखें हमारा सब्सक्राइब बटन बन चुका है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।